अस्सलामु अलैकुम। दिसंबर की पहली वाहवा सारी धुंद के अमारत बुलाग च खुश आमदेद। मौसम दिसंबर जरा दसदा पाया कि मैं आ गया है। दिसंबर छुट्टियां होने दो चार दिन रह गए, दो दिन रह गए। सर्दी बहुत आ, बच्चे तैयारी करके खड़े आ। ध्यान ना लाना बच्चे, ध्यान ना लाना। इस सर्दी के मौसम के स्कूल जाने वाले बच्चों की हिम्मत आ किवें निकलते पे आ। असी तो अपनी जैकटा जुकटा पा के रजाइया रजुइया पा लैके लुक जा जाते हैं। बच्चे फिर जोड़े आ सर्दी तो जो बचाव नहीं कर सकते। इस वास्ते इन्हों कुछ जी हदायत देनिया चाहिए ताकि अपने आप को सर्दी तो बचा सकन, सर्दी तो अपने आप को महफूज कर सकन। बचो आपके ताया जी मोहम्मद सरफराज साहब ये आपको बताएंगे कि आपने इस सर्दी के मौसम में कैसे अपने आप को सर्दी से बचाना है। ठीक हो गया? सर्दी जो है ना ये बच्चों को फिजिकली और वो स्कूल की स्टडी में दोनों का नुकसान करती है, इसलिए आपने सर्दी से बचने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि सर्दी जो होती है वो जुकाम बनाती है। उसके बाद आप अपने आप को सेव करना है, अपने गर्म कपड़े और ठंडे पानी से अपने परहेज करना है, और आपने अच्छे कपड़े पर गर्म कपड़े पहन के स्कूल जाना है। उसके बाद आपको हफ्ते को छुट्टियां हो रही हैं इंशाल्लाह, फिर आप इंशाल्लाह गर्म रहोगे इधर कमरों में। हुकूमत आपका बहुत सोचती है कि आप बीमार ना हो जाए, इसलिए वो सर्दियों में 10 दिन के लिए आपको लीव देती है कि आप वार्म अप हो जाए। देखिए आपके सामने ताया जी ने जैकेट भी पहनी है, टोपी भी ली है, चादर भी ली है, और धूप निकलने का इंतज़ार हो रहा है इस जगह पे। आप लोगों ने भी अपने आप को गर्म सर्दी से बचाना है, गर्म रखना है। ठीक है? ठीक हो गया? अपने आप को जब इधर से जाना है, सर्दी की वजह से आप पैदल जाएंगे तो जाते जाते आप लोगों ने रास्ता जो है वो एक साइड से गुजरना है रास्ते में, और धुंध की वजह से गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही, इसलिए आप लोगों ने ख्याल के साथ जाना है, क्रॉसिंग बहुत एहतियात के साथ करनी है। ये देखिए केटू पहाड़ सर करके आए हैं रफ़ी साहब। देखे केटू पहाड़ से सर्दी बहुत ही सही है इतने, केटू पहाड़ से बहुत ही है। ठीक हो जी अपने साढ़े रफ़ी साहब साढ़े चक्की के वड्डे अफसर। ठीक हो गया जी, इन्होंने गलों के नाल इजाजत दो। अल्लाह हाफिज़।